महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार पर परोक्ष रूप से उनकी उम्र को लेकर कटाक्ष किया है। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा है कि वो उनकी बात उसी तरह सुने जैसे वे पहले किसी वरिष्ठ की बात सुनते थे। उन्होंने शरद पवार की उम्र का भी जिक्र किया। अजीत पवार ने पिछले साल जुलाई में बगावत करते हुए राकंपा में बड़ी टूट को अंजाम दिया है और 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। तब से वो नियमित रूप से ये कहकर अपनी बगावत को सही ठहराते हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि बुजुर्गों को यानी कि शरद पवार को अगली पीढ़ी को रास्ता देना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने पुणे जिले के बारामती में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, आपने इतने सालों तक एक वरिष्ठ की बात सुनी, अब मेरी बात सुने और जिस लोकसभा उम्मीदवार को मैं खड़ा करना चाहता हूं, उसे वोट दे। मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता सकता हूं कि लोगों ने मेरे उम्मीदवार को वोट दिया है। ये मत भूलिए कि जब आप मुसीबत में थे तब मदद करने के लिए कौन आया था। बारामती विधायक ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा, यदि आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कुछ आलोचना स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शरद पवार का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, पता नहीं कुछ लोग कब रुकेंगे, हो सकता है कोई भावुक अपील करे कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, पता नहीं कौन सा चुनाव आखिरी चुनाव होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।